वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज सिंह साहब भाई ध्यान सिंह जी मन जो जथेदार ने श्री अकाल तख्त साहब के उन्होंने अगवाई दे विच जेड़ा मोर्चा है अज 26वें दिन विच शामिल हो चुका है। मोर्चा 26वें दिन विच शामिल हो चुका क्योंकि मोर्चा पंथ ते कौम दा है। ये जेड़ियां तीन मंगा है जेड़ियां कौमी तीन मंगा है गुरु साहब की बेअदबी एक गिनी मिती शासक के तहत होई है ते शासकारां दा भी हौली हौली पता लग रहा है ते कोट कपूरे दे विच बैबल काल कला दे विच गोली दे नाल सारे सिंह शहीद किते है। इस करके जिहड़ी आ मोर्चा कौमी आ के ये शहीद भी कौम दे ने। ते दूसरी बेनती ये है कि जेडे सिंह जेलों में बंद ने उन्हां दी लड़ाई किसे घर दी नहीं सीगी, ना लड़ाई उन्हां दी कोई एम पी जां एम एल ए दी सी, लड़ाई कौम दी सी, ना कोई लड़ाई किसे चौधर दी सी। उन्हां ने जिहड़ियां जेलों दे विच कईआं जिहड़ा संत जरनैल सिंह जी खालसा 20वीं सदी दे महान जरनैल जिन्हां दी फलवाड़ी फेठी है उन्हां दे वल्लों जिहड़ा संघर्ष विड़िया सी उस दे लई ओह जेलों दे विच गए है। एक खासियत ओह नौजवानां दी है उन्हां जेलों दे विचों एक दिन भीख नहीं मंगी, एक दिन इन्होंने माफी नहीं मंगी, एक दिन ईन नहीं मंगी, एक दिन किसी परिवार की दुहाई नहीं पाई, एक दिन कोई पैसा नहीं मंगया। इन्होंने कहा आ जिहड़ा क्या कानून की गल अज कानूनी नुकते लैके ये मोर्चा सिंह साहब ने लाया वह कानून दियां धज्जियां डा रहे ने जिहड़े 25-25 साल जिहड़ी गैर कानूनी कैद दे विच है। इस करके ये मोर्चा कौम दा मोर्चा है, जिथे कौम नूं इकट्ठा कर रहा उथे कौमी एकता नूं इक सेह दे रहा। कल असीं गए सीगे जलंधर दे विच, सिंह साहब ने सानू कोई हुक्म लाया सी, मेरे नाल गुरदीप सिंह जी बठिंडा गए सन, बूटा सिंह रंजीके ये जिन्हां नूं दिन रात इक तड़फ सीगी, रमनजीत सिंह भंग जड़ी भी सी, रात असी 12 बजे तक ये विचारां करदे रहे हैं। उत्थे जिहड़ी कलम ने कुछ लिखना है, जिहड़ी कलम ने कुछ कहना है, जिहड़ी मूहों नहीं बोलदी, जिहड़ी लिख के एक गल दसदी है। असी एक बहुत वड्डे ऑडिटर दे कोल गए, वह कहिंदा अज तक जो ऑडिटर दे कोल गए, फिर दूजे ऑडिटर दे कोल गए, फिर तीजे ऑडिटर दे कोल गए, अपने पंजाब दियां बहुत वड्डियां दो अखबारां ने जिन्हां दे विच पंजाब दे विच उहनां दी ताक है। ते फिर जो गल की असी उत्थे मोर्चे की, वह कहिंदा इतिहास दे विच ये जिहड़ा मोर्चा लग्गिया इहदे उत्ते कोई उंगल नहीं चक सकता, इहनूं कोई गैर कानूनी कह नहीं सकता, इहनूं ना प्रेस कह सकती है, ना निजाम कह सकता, ना कानून कह सकता। उन्होंने कहा असी भी इस मोर्चे दे विच आवांगे। मैं ना ता नहीं लैंदा, फिर तुसी कहोगे कि वह आए नहीं, जिद्दे आए आपे साडे सामने हो जूगी। हुण उह कहिंदे एक कलम जे माड़ी मोटी गल सी उन्हें कहा एक कलम लिखूगी। वह कहिंदे सिंह साहब इतिहास दे विच कहिंदा जदों दी साडी जिंदगी है, कहिंदा साडी मीटिंग भी होई, कहिंदा जदों ब्लू स्टार एक्शन होना सी जिहड़ी इंदिरा गांधी कदे किसे नूं मिलदी नहीं सी, कहिंदा जिहड़ा इंदिरा गांधी मिलदी नहीं सी वह मैं बहुत छोटी जी उम्र दा सीगा, मैं पंजाबी ट्रिब्यून दे विच सी। वह कहिंदा मैनू उहने समां दित्ता किसे नूं 2 मिंट दिंदी, किसे नूं 3, वह मैनू 40 मिंट दिता, ते फिर 1 घंटा 40 मिंट मेरे नाल वह गल करदी रही। कदे धवन कहिंदा रहा, कदे कौल कहिंदा रहा कि टाइम हो गया,
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਢਾ ਦੇਵੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ, ਬੂਟਾ ਸਿਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਮ ਇਹ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖੂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੱਕ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੂਲ ਦਾ ਕਰੜਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਦੇ ਐਡਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 12-1 ਵਜੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਾਲਾ ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਦਮਨਤਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਧੰਨ ਪਾਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਲਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।